मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित शुक्ला कानपुर से। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने मोस रोज का फ्लावर्स। ये मेरा एक गमला है जिसमें एक ये लाइट पिंक आप देख सकते होंगे फ्लावर, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर लगते हैं और बहुत ही साधारण तरीके से इनको उगाया जा सकता है। इनके कलर्स जब एक संग लगे होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मैं आपको छत में अपनी दिखाता हूँ और कौन कौन से फूल खिले हुए हैं टॉप फ्लोर पर। ये लाइट पिंक कलर का कनेर है जिसका बड़ा प्लांट ये लगा हुआ है मेरा। और फूलों की बात करूं ये हिबिस्कस है, ये मैंने महसूस किया है कि हमारे यहाँ हिबिस्कस के जो फ्लावर हैं सबसे ज़्यादा नवरात्र के महीने में ही खिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लाल गुड़हल का फूल जो है माता रानी को भी बहुत प्रिय है। ये भी मोस रोज के कुछ पौधे हैं। एक ये प्लांट है जिसको मैक्सिकन पिटूनिया बोलते हैं, ये मेरे पास पर्पल कलर है इसका। और गार्डन में पर्पल कलर को ऐड करने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब सभी कलर के फूल होते हैं मोस्टली पर्पल कलर के फूल कम मिल पाते हैं हमको, तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। और इसको तो मैंने कई जगह देखा हुआ है कि खाली प्लॉट्स में जंगली पौधे के रूप में ये काफ़ी उगाता है, लेकिन अब लोगों ने इसको गार्डन में भी जगह देना स्टार्ट कर दिया है। इसके तीन कलर आते हैं मेरे पास, पर्पल है इसका, पिंक और वाइट कलर भी आता है। ये भी बारिश अभी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी जिस वजह से मोस रोज उतने अच्छे खिल नहीं रहे हैं। ये हमारे एडेनियम के प्लांट्स हैं, इनमें भी बारिश के मौसम में फ्लावरिंग नहीं होती है। अब ये सितंबर से, ये भी एडेनियम है हमारा ग्राफ्टेड। और एडेनियम के प्लांट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसकी खूबसूरती जो है इसके तने में होती है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है इसका तना। ये देखिए, ये भी मेरा मैरून कलर का है लेकिन अभी इस पर फ्लावरिंग नहीं है। जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो मैं इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ये ऑरेंज कनेर, ये भी हिबिस्कस का ही एक प्लांट है, मल्टी पेटल, इसमें बहुत घना फूल होता है गुड़हल का। एक प्लांट और मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा फाइकस का प्लांट है। अब प्लांट कहूँ या इसको ट्री कहूँ, क्योंकि ये 24 इंची गमले में लगा हुआ है और ये इतना बड़ा हो गया है कि मुझे अब रखने में इसको दिक्कत होती है छत पर, तो मैंने इसको कोने में खड़ा कर दिया क्योंकि हवा तेज़ चलती है तो ये ढुनंग के गिर जाता है। ये भी ऑरेंज कनेर है हमारा। और ये हमारा चंपा का प्लांट है, ये भी बहुत बड़ा हो गया है। मैं आपको इसका साइज दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक कि इसका पॉट भी टूट गया है। ये हमारा पीली कनेर,
बहुत ही अच्छी खुशबू देता है, बहुत ही साधारण प्लांट है, बहुत ही आसानी से योग आता है और कोई भी महंगा प्लांट नहीं है। 20 रुपये किसी भी नर्सरी मिल जाता है या आपने देखा होगा डिवाइडर्स पे काफ़ी ये पौधे लगे रहते हैं, तो वहाँ से भी आप इसका बीज ला करके लगा सकते हैं। ये पौधे से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे, सदाबहार कहीं भी उगाता है। और ये हमारे एक ये भी चंपा लगा हुआ है और ये हमारे बोगनवेलिया के प्लांट हैं जो कि अभी इसमें इस बार पता नहीं क्यों पत्तियां हरी ज़्यादा नहीं दिख रही हैं। ये येलो कलर है, ये पिंक में है और इसी में वाइट भी लगा हुआ है जो कि ऊपर अभी इस समय बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है। और ये जैसा कि मैंने दिखाया हुआ था अपना पिंक कनेर, वो इस ड्रम में लगा हुआ है। ये एक व्यू दिखा देता हूँ अपने गार्ड छोटी सी बगिया का छत में। थैंक यू।